गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे और वो वेपर कुछ न कुछ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उन प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है न? तो क्या बोला जाएगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्या डिफाइंड किया गया है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्ट। तो प्रेशर एग्जिट किया गया है कि प्रेशर एग्जिट किया गया है, उत्पन्न किया गया है, तो किसके द्वारा एग्जिटेड, बाय द, किसके द्वारा, बाय द वेपर। ठीक है, किस चीज़ की वेपर हैं, अब वो भी याद रखनी है। ठीक है, तो वेपर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी वेपर के, किसी भी लिक्विड की जो वेपर हैं उनके द्वारा जो प्रेशर एग्जिट किया गया है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर की बात करता है, कोई भी टेम्परेचर गिवन आपको, तो उस टेम्परेचर की बात करता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर अफेक्ट करता है, तो फैक्टर अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं ऑफ लिक्विड के, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो देखिए सबसे पहला है नेचर के ऊपर है भाई। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड, तो क्योंकि देखो अब आपने इतना पढ़ा है कि लिक्विड का जो नेचर है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बहुत लेट, यानी कि वेपर प्रेशर बना पाओगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको पता चल गया कि इसका मतलब वीकर चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। तो लिखा गया है यानी नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी क्या कहता है, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोर इज द, क्योंकि जितना कम होगा वो उतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर एग्जिट करेगा, तो मोर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ वेपर। देखिए अब आपको पता चल गया कि नेचर के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, दूसरा है टेम्परेचर भाई। अब आपको पता चल गया जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और उतना ही जल्दी क्या करेगा, प्रेशर एग्जिट करेगा। तो हायर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, हायर द टेम्परेचर, क्योंकि देखो किसी चीज़ को हम क्या है, गर्म करते हैं, टेम्परेचर हीट करते जाते हैं, तो उतना ही जल्दी क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रेशर एग्जिट करेगा, तो जिसको क्या बोलते हैं, वेपर है प्रेशर। तो आयर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आयर क्या हो जाएगा, आयर विल बी द वेपर प्रेशर, तो उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर होंगे भाई। तीसरा है सरफेस एरिया, क्या है सरफेस एरिया, तो अब आपने पढ़ा है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी क्या होंगी, वेपर में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो वेपर, ठीक है नहीं, तो अब आपको पता चल गया कि वेपर हैं क्या, तो सरफेस एरिया ऑफ वेपराइजेशन, तो ये बात क्लियर है, जैसे गिल्ले कपड़े हों, मतलब या फिर क्या है कि कोई बड़ा बर्तन हो तो कहता है उसको हीट करते हैं, तो उतनी जल्दी के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा वो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि आयर द सरफेस एरिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ऑफ वेपराइजेशन का, ठीक है, वेपराइजेशन का, हायर विल बी, उतनी ही ज़्यादा कहता है हायर विल बी द वेपर प्रेशर, उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगी भाई। ठीक है, तो ये आपने स्पेशल वेपर प्रेशर का एक छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद नया टॉपिक अपना रॉल्ट्स लॉ, क्या है रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है, देखिए फॉर वोलाटाइल सोल्यूट की बात करते हैं, अब अपने को पता होना चाहिए होता क्या है, रॉल्ट्स लॉ क्या बताता है, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो भाई,
कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको बताया था कि सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना है, सोल्यूट और है सोलवेंट, ठीक है। अब आपने इतना पढ़ना है कि भाई सोल्यूट के द्वारा कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर सोल्यूट के द्वारा एग्जिट किया जाता है, कुछ सोलवेंट के द्वारा। अब यदि इनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है कि इनमें कम से कम फोर्स हो, कम वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ये कहता है कि देखो कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट्स। तो अब ये बात याद रखनी है कि सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं और सॉल्वेंट को किससे। तो देखो भाई सॉल्यूट को बी से है तो सॉल्वेंट को ए से, ठीक है। हमने शुरुआत में यही लेके चले थे और कोई नहीं, आप डिफाइन करते चले जाओ शुरुआत और लास्ट क्या है, ठीक है। तो देखो क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोल प्रोडक्ट ऑफ द प्योर सोल्यूट एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है। यदि सोलवेंट की बात करता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात आ गई, यानी कि स्पेशली कहा है कि तो अब राउट ला है दोनों के लिए एक साथ डिफाइन कर दें, तो अकॉर्डिंग टू दिस ला द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि अब देखो ये सोल्यूट भी हो सकता है और है सोलवेंट भी हो सकता है। तो द वेपर अकॉर्डिंग टू दिस ला द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कोई ना कोई कंपोनेंट है, ये सोल्यूट भी हो सकता है और है सोलवेंट भी, इज इक्वल टू, तो किसके बराबर है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, अब आपने पढ़ा, ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब अपने को याद रखना है कि दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। ये तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ है प्योर, अब सोल्यूट है तो सोल्यूट, सोलवेंट है तो सोलवेंट, उसके हिसाब से डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद रॉल्ट्स ला फॉर दो सोल्यूशन, उस सॉल्यूशन के लिए निकालना है आपने दो सॉल्यूशन विच कंटेन्स वोलाटाइल सॉल्यूट। अब जिसमें वोलाटाइल सॉल्यूट हो जाए उसके लिए कहते हैं, देखो भाई तो आपने पढ़ा है ही, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको, अब आपको पता यह है, ये याद रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों के द्वारा एग्जिट किया गया है। तो इफ द सॉल्यूशन कंटेन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एग्जिटेड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि जब वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों के द्वारा होगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स ला को अप्लाई कर दें इसमें, तो देखिए रॉल्ट्स ला को अप्लाई किया तो क्या मिल गया आपको, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नोड ए और क्या गया एक्स ए, ठीक है, और पी बी किसके बराबर है, तो पी नोड बी और क्या है इन टू में एक्स बी, इसमें अप्लाई कर दो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी नोड ए और क्या गया एक्स ए प्लस में पी नोड बी और क्या गया एक्स बी, ठीक है। चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे बताया था मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू वन, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कोई सा किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एक्स बी, ठीक है, इसको इधर ले गए तो पी एस किसके बराबर आ गया, तो पी नोड ए इंटू में वन माइनस एक्स बी प्लस में क्या आ गया पी नोड बी और क्या है एक्स बी। चाहो तो इसको खोल सकते हैं, नहीं तो एज इट इज छोड़ा जा सकता है, तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ गया पी नोड ए माइनस का पी नोड ए और क्या आ गया एक्स बी प्लस पी नोड बी और क्या आ गया एक्स बी, दोनों में एक्स बी कॉमन निकाल सकते हैं, ए को इधर ले आए
तो पी नोड ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, देखो एक्स बी कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया पी नोड बी माइनस का क्या आ गया पी नोड ए। एक्स बी निकालना है तो देखो यहाँ से पी एस माइनस का क्या है पी नोड ए, इसको डिवाइड में ले गए तो पी नोड बी माइनस पी नोड ए। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके आगे, बी, बी आपने क्या माना था अभी बताया था सोलवेंट, ठीक है, तो बी क्या लिया था आपने सोल्यूट, तो सोल्यूट के निकल के आए भाई, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। आई वैसे इसका ग्राफ भी याद रखना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप से ग्राफ बनता है, ऊपर की तरफ हम वेपर प्रेशर लेके चलते हैं क्योंकि एक साइड में सोल्यूट और एक साइड में सोलवेंट इसलिए लगाएगा, नहीं तो हमने ये पता था कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस यही लेते हैं। अब देखो एक साइड में वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूट का, और एक साइड में क्या है सोलवेंट का है, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन, क्या है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है यदि मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसके, एक्स ए यानी ए आपका क्या था वो याद रखना है पीछे ने, तो ए आपका सोलवेंट है और बी क्या है सोल्यूट, ठीक है। तो अब देखो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोलवेंट को, ठीक है नहीं, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूट को। तो ये चीज़ आपने डिफाइन करनी है, ये याद रखना है, ठीक है, भूल जाओ तो फिर लिख लेना। तो देखो भाई यदि इधर आपको क्या है कि एक्स ए आपने 1 ले लिया तो इसका मतलब ए क्या है सोलवेंट, ठीक है। तो एक्स बी क्या आ जाएगा, अब इसका मतलब क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि देखो दोनों का सम 1 बताया था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाए एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ कैसे बढ़ेगा, तो देखो भाई हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अब आपने याद रखना है कि किसका है ये, किसका बढ़ रहा है, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या आ जाएगा पी नोड ए, ठीक है, क्योंकि देखो ए की मोल फ्रैक्शन किसके हैं ए के, तो ए के ही बढ़ रहे हैं। तो अब देखो बी क्या है आपका सोल्यूट, तो इसका इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सोल्यूट की क्या कंसनट्रेशन क्या होती है हमेशा कम होती है, ठीक है। तो क्या आ गया पी नोड बी। तो इस प्रकार आप क्या है कि ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ये टोटल आ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। थैंक यू।